दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों मैच के बाद विराट कोहली ने कह दी रोहित के बारे में ऐसी बात जिसे सुनकर करोड़ों भारतीय झूम उठेंगे। दोस्तों किंग कोहली की ऐतिहासिक पारी और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट। दोस्तों भारतीय टीम ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 रन से हरा दिया। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन बनाए। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किंग कोहली का रहा, जिन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 64 रनों की खतरनाक पाली खेल डाली। साथ ही केएल राहुल ने भी धमाकेदार 50 जड़ दिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने 185 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने बारिश से पहले जितेंद्र दास की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 7 ओवर में 66 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम लागू किया गया और बांग्लादेश ने 16 ओवर में 151 रनों का नया लक्ष्य दिया गया। एक समय 7 ओवर में 66 रन बना चुकी थी बांग्लादेश की टीम, लेकिन अर्शदीप शमी और पांड्या ने मिलकर काम कर दिया और बांग्लादेश की टीम 16 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 5 रनों से जीत लिया। मैच के बाद विराट कोहली ने रोहित के बारे में बात करते हुए कहा कि रोहित एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान है और उनका हर फैसला सही समय पर साबित होता है। दोस्तों आपकी रोहित के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।